में जितनी भी सेंसिटिविटी सेटिंग आपको दिख रही है सब रिकॉइल कंट्रोल की ही है, लेकिन गाइज थर्ड पर्सन नो स्कोप भाई, मतलब ये सेंसिटिविटी सेटिंग पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई है। मैं पूरा देख के आयो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई ये क्या चीज़ है। तो है गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और गाइस आज का ये वीडियो मतलब लिटरली मैं खुद ही बता रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने उतने एफर्ट्स इस वीडियो में लगाया है कि भाई जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा, वो किसी को भी सिखा पाएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, और भाई कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूरे यूट्यूब पर मैं खुद रिसर्च कराऊँ किसी ने नहीं बताई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो गाइस उसके अलावा अगर हम बात करें VanExBet के बारे में, तो भाई यहाँ पर साइन अप करके लाखों लोग भाई बहुत सारा अमाउंट जीत चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर आप जो मैचेस के रिजल्ट होते हैं वो देख सकते हैं, उसी के साथ साथ जो मैचेस होते हैं क्रिकेट फुटबॉल और भी बहुत सारे जो मैचेस हो गए उनके ऊपर आप प्रेडिक्ट करके बहुत सारे अमाउंट जीत सकते हो। और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके साइन अप कर सकते हो। और साथ में आप अगर मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको $100 तक का बोनस मिलेगा गेम खेलने के लिए, तो जाके एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे से कंटेंट के ऊपर मूव करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग मोड में चला जाता हूँ और TPP चूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई TPP में आप FPP भी स्विच कर सकते हो। और मोस्टली जो 90% बंदे होते हैं वो TPP ही खेलते हैं, तो जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो TPP कवर करेंगे आज। तो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर गन नहीं उठा रहा हूँ, सबसे पहले आपको चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर गन का आवाज़ आ रहा है तो हम थोड़ा दूर चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम आपके लिए ऐसी जगह पर आ गए जहाँ से मतलब आपको गन की आवाज़ नहीं आएगी, जो नीचे बंदे मतलब आतंक मचाए पड़े उनकी आवाज़ आपको नहीं आएगी, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। सबसे पहले चलता हूँ सेटिंग के अंदर, बेसिक के अंदर, और बेसिक में एम असिस्ट और पिक एंड फायर इनेबल करके रख देना, जो कि सबने किया होगा। सेंसिटिविटी में चलता हूँ, और यहाँ पर आपको सबसे पहला सेक्शन मैं समझाने वाला हूँ, कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। तो ये चीज़ क्या है, कुछ लोगों को पता होगी आधी आधी चीज़ें, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ थर्ड पर्सन कैमरा। गाइज वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप देखने वाले हो तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे भी थर्ड पर्सन आएगा मतलब TPP और फर्स्ट पर्सन आएगा मतलब FPP, तो हमें दिमाग में रखना है थर्ड पर्सन, क्योंकि हम खेलते हैं TPP, और अगर आप FPP खेलते हो तो फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब जो कि TPP होता है इसको हम जीरो कर देते हैं। थर्ड पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक के अंदर जो है, तो इसके मैंने 1% कर दिया। अब देखो गाइज बंदा तो पूरा मतलब मूवमेंट तो कर रहा है, मतलब कुछ हुआ नहीं है पूरा जीरो करने के बाद, वन करने के बाद भी। तो ये चीज़ क्या, हमने अभी हमने जो चीज़ वन की है वो क्या चीज़ थी, तो आपको समझा देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, जो आपको आई बटन दिख रहा है गाइज ये उसकी सेंसिटिविटी सेटिंग है। ठीक है, वापस एक बार सेटिंग में चलता हूँ, सेंसिटिविटी में चलता हूँ, अब इसको मैं हाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइज आई बटन मूव कर रहा है बिल्कुल मतलब तेज़ी से मूव कर रहा है। तो ये जो पूरा सेक्शन है गाइज ये है एक आई बटन का सेक्शन, कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, ये पूरा की पूरा आई बटन का सेक्शन है। ये चेंज करोगे तो TPP की होगी, ये वाला चेंज करोगे तो FPP की होगी। लेकिन ये चीज़ क्या है, TPP हो गई FPP हो गई, ये दोनों चीज़ें के लिए है। जब गाइज आप पैराशूट से कूदते हो और आई बटन से देखते हो कि कहाँ कहाँ बंदे उतर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें ये चीज़ काम ही आ जाती है, और ये कॉमन होती है FPP और TPP में। तो आई होप गाइज आपको जो फ्री लुक वाला सेक्शन है कैमरा सेंसिटिव वाला वो समझ में आ गया होगा। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है कैमरा, और गाइज यहाँ पर कैमरा और ADS भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे गेम प्ले के अंदर, क्योंकि यही हमारा गेम प्ले भाई सातवें आसमान तक पहुँचा सकता है और नीचे ज़मीन पर भी ला सकता है। तो सबसे पहली चीज़ थर्ड पर्सन नो स्कोप, तो गाइज इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा सबसे पहले नीचे। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ सेंसिटिविटी में जाता हूँ, और कैमरा का सेक्शन अब हम समझने वाले हैं। तो कैमरा ओनली कैमरा है, ठीक है ध्यान रखना ओनली कैमरा, थर्ड पर्सन मतलब TPP, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखना क्या हो रहा है, जॉयस्टिक जो है उससे मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब मैं हिला रहा हूँ मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना, जब लेफ्ट राइट मूवमेंट कर रहा हूँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है गाइज, आपकी जो मूवमेंट होती है मतलब जब आप किसी पर रश करने जा रहे हो, किसी का TPP ब्लॉक कर रहे हो, मतलब कोई आपके ऊपर TPP लेके बैठा है, आपको उसका TPP ब्रोक करना है मतलब तोड़ना है, उसका TPP जाके उसको मारना है घुस के, तो उस समय में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिल्कुल लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं कर रहा बंदा, तो यही चीज़ लेफ्ट राइट के ऊपर नीचे भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब जो कैमरा एंगल हम घुमाते हैं राइट हैंड के अंगूठे से, वही होती है ये वाली सेंसिटिविटी सेटिंग थर्ड पर्सन नो स्कोप कैमरा के अंदर। तो अब मैं इसको फुल कर देता हूँ, अब देखो गाइस कर रहा है मूव, तो ये वो चीज़ है।
तो गाइज आपने थर्ड पर्सन नो स्कोप कैमरे के अंदर जो थी वो तो समझ ली, और ये अगर आपकी हाई रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए आप मतलब आपकी जो मूवमेंट होगी भाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये जो मूवमेंट होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी में चलता हूँ वापस, और यहाँ पर रेड डॉट होलोग्राम एम असिस्ट, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी गन। तो गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा गोलियों की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ बाकी के जो बचे हुए सेक्शन है रेड डॉट होलोग्राम एम असिस्ट। तो गाइज आप रेड डॉट 3x 6x 2x 4x 8x, मैं आपको रेड डॉट का समझाऊंगा, आप खुद से 3x 6x जितने भी बाकी बची स्कोप है ना आप कर सकते हो। तो ये जो है ये बस कैमरा एंगल होता है जिसमें आपको दिखाया नो स्कोप वाला कैमरा एंगल ये ऐसा घूमता है। तो बस रेड डॉट का जो है आप जब स्कोप इन करते हो और लेफ्ट राइट जो घूमता है ऊपर नीचे जो घूमता है वो होता है ये वाला रेड डॉट होलोग्राम एम असिस्ट वाला कैमरा एंगल। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, स्कोप इन करता हूँ और देखो मैं कितना हिला रहा हूँ, हिली नहीं रहा बिल्कुल रेड डॉट, ठीक है ना। ये चीज़ होती है ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहा है। अब मैं अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ या फिर मतलब जितना चाहिए उतना कर देता हूँ, देखिएगा इस काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। तो थोड़ा इसे कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि रेड डॉट जो है अपन क्लोज कॉम्बैट में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना काफ़ी है, ठीक है, ये समझ गए आप रेड डॉट का समझ गए। सेम चीज़ होती है बाकी बचे हुए स्कोप के साथ। तो गाइज आप समझ गए कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, कैमरा का जो एंगल होता है उसके जो स्कोप वाले एंगल होते हैं वो भी सब समझ गए, नो स्कोप भी समझ गए। अब बचाए गाइज एडीएस। तो एडीएस समझने के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें जाना पड़ेगा वापस वहाँ पर जहाँ पर हमें स्कोप मिलेंगे। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट वाला जो एडीएस सेंसिटिविटी सेटिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो गाइज एडीएस में देखो गाइज होता क्या है ना, एडीएस बोले तो वहाँ पर आप रिकॉइल कंट्रोल का पूरा आ जाता है, मतलब एडीएस में जितनी भी सेंसिटिविटी सेटिंग आपको दिख रही है सब रिकॉइल कंट्रोल की ही है। लेकिन गाइज थर्ड पर्सन नो स्कोप भाई मतलब ये सेंसिटिविटी सेटिंग पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई है। मैं पूरा देख के आयो, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया भाई ये क्या चीज़ है, मतलब ये देखो लिखा क्या है, आप खुद से ट्राई कर लेना। मतलब अगर मैं आपको ये चीज़ ना बताऊँ तो मुझे नहीं लगता आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस लिखा क्या है थर्ड पर्सन नो स्कोप, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब क्या, टीपीपी, नो स्कोप मतलब क्या, नो स्कोप मतलब क्या, हर बंदे को नो स्कोप मतलब क्या होता है, आपके पास स्कोप नहीं है। लो भाई कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंसिटिविटी टीम दिया थर्ड पर्सन नो स्कोप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ है क्या, मतलब यही कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में भी आया था एक बार के लिए जब मैं वीडियो बनाने के लिए पहले रिसर्च कर रहा था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तो सॉरी मैं कोई और ही चेंज कर दिया। तो वापस से एडीएस थर्ड पर्सन नो स्कोप में जीरो कर देता हूँ, मतलब वन कर देता हूँ। तो गाइज ये चीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी जान बचा सकती है हर बार क्लोज कॉम्बैट में। अब देखो आप चीज़ नोटिस करना, बाद में मैं बताऊंगा। तो गाइज अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मेरा रिकॉइल है अगर आपके नज़दीक कोई बंदा हो तो आप उसको कैसे मारोगे, ऐसे ही मारोगे। और भाई जब आप फायरिंग स्टार्ट करते हो ना तब आपका जो ये क्रॉसियर होता है तो ये क्रॉसियर का भी रिकॉइल कंट्रोल किया जाता है, रिकॉइल बोलो या फिर जो उसका जो मूवमेंट होती है क्रॉसियर की फायरिंग स्टार्ट होने के बाद, फायरिंग स्टार्ट होने के बाद क्रॉसियर की जो पूरी मूवमेंट होती है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रिकॉइल कॉइल जो भी आप बोलो वो पूरी की पूरी इस सेंसिटिविटी के लाइन से कंट्रोल होती है, बटन से कंट्रोल होती है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं फायरिंग अभी देखो गाइज अभी तो मूव कर रहा है, ठीक है अभी तो पूरा मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं फायरिंग स्टार्ट करूँ तो मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेफ्ट राइट भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर नीचे भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेंसिटिविटी में जाता हूँ और इसको मैं अच्छा खासा हाई कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो पूरा के पूरा कंट्रोल में है। ये चीज़ मतलब बहुत मुझे लगा कि आपको समझानी चाहिए, किस किस कितने लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी और ये चीज़ हेल्पफुल लगी मुझे, ज़रूर से बताना क्योंकि ये आपकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो गाइज मैंने थर्ड पर्सन नो स्कोप तो समझा दिया एडीएस का, उसी के जैसा मतलब बाकी बच्चे कुचे भी है वो भी रिकॉइल के ही है। तो मैं यहाँ पर आपको 3x का रिकॉइल कंट्रोल करके दिखा दूंगा कि कितनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो सबको पता है गाइस ये चीज़, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ थी, मेन चीज़ें जो थी मैं आपको समझा दिया हूँ। काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से मार रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, ठीक है।
तो सेंसिटिविटी में जाते हैं तो ट्राई करते हैं इसको कंट्रोल करने का। ADS में चले गए 3x, ठीक है। रिकॉइल कंट्रोल करना है तो ADS की सेंसिटिविटी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको अंदाजे से कर देता हूँ 31। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा जो रिकॉइल है वो लेफ्ट राइट जा रहा है, तो लेफ्ट राइट जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रिप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हाफ ग्रिप या फिर एंगल फोर ग्रिप। और रिकॉइल तो अच्छा खासा आ रहा है कंट्रोल में, और एमओ ख़त्म हो गई वैसे। और गाइज उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो पूरी चीज़ें हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और गाइज मैं ADS की सेंसिटिविटी आपको नहीं बताया, मैं चाहता हूँ भाई आप खुद से सेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट लगेगा अगर आप खुद से ट्राई करो, और भाई जो चीज़ आप खुद से सीखोगे ना वो आपको कोई और बता के आपके दिमाग में नहीं जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन के ऊपर कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।